पाकिस्तान रेलवे ने सड़कों पर कायम रेलवे क्रॉसिंग की मद में जिले हुकूमत लाहौर के शोभा रोड के जेर इस्तेमाल 5 रेलवे क्रॉसिंग के 1,13,00,000 रुपए वसूल करने हैं और ये रकम गुज़श्ता 2 साल से जिले हुकूमत के जुम्मे है, मगर जिले हुकूमत का शोभा रोड बार बार की याद दहानी के नोटिस के बावजूद अदायगी नहीं कर रहा, जिस पर रेलवे हुकाम ने धर्मपुरा रेलवे क्रॉसिंग को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया है। DOR ने हमें पेमेंट नहीं की डिपार्टमेंट को, हमारे को पाकिस्तान रेलवे को, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है, अक्सर तनख्वाह हमारी लेट हुई थी सर। रेलवे क्रॉसिंग बंद करने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किल का सामना है और अवाम का कहना है कि अगर किसी महकमे ने रेलवे के वाजबात अदा करने हैं तो वो करे, इसमें अवाम का क्या कसूर है? ये तो बंद नहीं करना चाहिए ना इनको, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हमें हो रही है, ऊपर से आना पड़ रहा है, काफ़ी लंबा चक्कर पड़ना पड़ता है। अगर इनका कोई मसला है गवर्नमेंट के साथ है या अपने डिपार्टमेंट के साथ है, बीच में अवाम को क्यों पीस रहे हैं? ये अवाम का क्या कसूर है कि ये अवाम को जो है वो खजल खराब कर रहे हैं? रेलवे हुकाम का कहना है कि अगर जिले हुकूमत ने अदायगी ना की तो शहर के दिगर 4 क्रॉसिंग भी बंद कर दिए जाएंगे और इससे ट्रैफिक मसाइल बढ़े तो रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी। अदारों के दरमियान वाजबात की अदायगी का तनाजा कोई नया नहीं है, मगर इस पर जब भी कोई एक्शन होता है तो इसमें नुकसान सिर्फ अवाम का ही होता है। कैमरामैन इकबाल खान के साथ सलीम शेख, दुनिया न्यूज़, लाहौर।